माया मरी न मन मरा माया मरी न मन मरा मर मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कभी मन मोड़ा फिर डर नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू इस मन को मन मोड़ा फिर डर नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू इस मन को यस्मिन् ऋते किंचन कर्म क्रियते इस मन के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं भगवान के चरणों में मन नहीं लगता, भगवान के ध्यान करने बैठते हैं तो मन कहाँ का कहाँ भागता हुआ रहता है। संतों ने बताया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन को कहा कि धीरे धीरे भगवान के चरणों में लगाना है। मन जो है ना रबर स्टैंप की तरह, रबर स्टैंप को कभी ध्यान से देखना, मोहर को जब तक कागज पर नहीं लगेगी उसके अक्षर उल्टे नजर आते हैं, और जैसे ही भक्ति रूपी कागज पर लगी कि अक्षर सीधे हो जाते हैं, ठीक उसी तरह यह मन भी जब तक भगवान के चरणों में न लगे तब तक उल्टा ही जानो, प्रभु की शरण में आओ तो मन भी सीधा होने लगता है। और कहा कैसे, मन लोभी मन कपटी मन है चोर कहते आए ये पल पल में और मन लोभी मन कपटी मन है चोर कहते आए ये पल पल में ओ बेईमान क्यों नादान क्यों बेईमान क्यों नादान क्यों गफलत ऐसे कर नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू इस मन को
प्यारे भक्तों, अथर्ववेद में आया कथम न रमते मना, ये मन कभी भी दम नहीं लेता, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। आपसे निवेदन मैं करना चाहूंगा, मन में और मनी में फर्क करना सीखो। आप देखिए, प्लाट जितना बड़ा हो, हम उतना बड़ा उस पर मकान नहीं बनाते, चारों तरफ जगह थोड़ी थोड़ी छोड़ के रखते हैं। और जितना बड़ा मकान बनाते हैं उसमें उतना बड़ा दरवाजा नहीं लगाते, और जितना बड़ा दरवाजा आप बनाते हैं उसमें उतना बड़ा ताला नहीं लगाते, और जितना बड़ा ताला आप लगाते हैं उसकी उतनी बड़ी चाबी नहीं लगाते। लेकिन प्लाट कितना भी बड़ा हो उसकी चाबी छोटी सी होती है, और यदि चाबी ना हो तो पूरा मकान बंद रहेगा, पूरा प्लाट बंद रहेगा, अर्थात पूरे प्लाट को खोलने वाली छोटी सी चाबी। और चाबी को ठीक करिए, कहा कि मन को एकाग्र करिए। कैमरा जब तक हिलता रहता है फोटो ठीक नहीं आती। आप चाहते हो कि आपकी फोटो बहुत अच्छी सुंदर आए तो कैमरे को एक जगह पर स्थिर करके टिका कर रखना होगा। अगर ऐसा करोगे तो फोटो बहुत अच्छा आएगा। ठीक उसी तरह से परमात्मा से साक्षात्कार करना हो तो मन को भी एक जगह एकाग्र करो, तभी परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है। तो कवि निवेदन करते हैं, कहते हैं कैसे, जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले, होना है विचलित नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। निवेदन किया, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं जो बोए सो काटे नादान। ये काया खेत है और मन जो है ना किसान है, मन को ही ठीक करना है। अपने विचारों का अवलोकन करें, वो आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर निगरानी रखें, वो आपकी क्रियाएं बनती हैं। क्रियाओं को जांचो, वे आपकी आदत बनती है। और अपनी आदतों को परखें, क्योंकि वे आपका चरित्र बनती हैं। इसलिए कहा कि मन को ही एकाग्र करो, धीरे धीरे भगवान के चरणों में लाओ। निवेदन करने चलें कैसे, जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर
इंसान क्यों मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से बैराग से, अभ्यास से बैराग से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। निवेदन किया धीरे धीरे रे मना, सब कुछ धीरे होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। भगवान के चरणों में बैठिए। कहा कि आधा घंटा अपने शरीर को अवश्य दीजिए और आधा घंटा परमात्मा को अवश्य दीजिए। आपका अभ्यास बनेगा और अभ्यास बनाइए समय रहते। दीवार जब तक कच्ची होती है तब तक तो उसको उसमें परिवर्तन संभव है, और अगर दीवार एक बार पक्की हो गई तो उसमें परिवर्तन बहुत मुश्किल है। और एक ही बात हमने जानी, चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। तो कहते हैं, मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में और। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों। गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। के लिए अच्छा है, कल से तो भीड़ बढ़ जाएगी तो इस तरह से प्रसाद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ में फिर मिलना मुश्किल होता है। आज ये शुभ कार्यक्रम जो प्रारंभ होने जा रहा जीवन रक्षण गुरु पूजा पवन महान पर्व का, आज इसका शुभारंभ है। उस शुभारंभ में प्रसाद वितरण किया जा रहा है। वैसे प्रसाद तो रोज ही मिलेगा, लेकिन इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ हो रहा है उसके उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण है। इसलिए आप लोग जल्दी से आ जाओ और प्रसाद ले लीजिए। कल से निश्चित समय पर सत्संग प्रारंभ होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेमी आते रहेंगे, सत्संग का समय सत्संग की रूपरेखा बदलती जाएगी।
उस विस्तार रूम में, कार्यक्रम उस विस्तार रूम में होगा, सत्संग उस विस्तार रूम में आपको सुनने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं सुना। तो कल से आप तैयारी रखें, समय पर आकर इन वचनों को सुनो, आगे इनकी बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब है। इतना खराब है कि अपने आप को बचना बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये जमीन जायदाद तुम्हारी सब पड़ी रह जाएगी, आपके काम आने वाली नहीं है। इसलिए समय से आकर अपने बचाव का ये रास्ता ले, अपने दुखों की दवाई आप ले लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। समय तो किसी को माफ करता नहीं है। जब खराब समय है तो दुख तकलीफ बीमारी तो आने वाली है, उनसे आप फसल नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने संत महापुरुषों के वचन नहीं माने जो लोगों ने साकार का अभियान चलाया 18 बरस, लेकिन लोगों ने उस पर कोई गौर ख्याल नहीं किया। अब वो खराब समय आ गया है, तुम्हारे बचने बचाने का कोई सामान आपके पास है नहीं। जो सामान आप समझते हो कि मेरे पास मकान है, दुकान है, जमीन जायदाद, रुपए पैसे, धन दौलत, पत पत्नी, बाल बच्चे, ये तो कुदरत एक झटके में चले जाएंगे। एक झटके का भी ये सामान नहीं है जिस पर तुम अज्ञानता, भूल, भ्रम में गरुड़ गुमान घमंड करते हो। इसलिए संत महापुरुषों के उन वचनों को सुनो जिससे तुम्हारा बचाव हो जाए, तुम्हारी तकलीफें कम हो जाए। अभियान तो ये उसका चल रहा, इसलिए शामिल शरीफ होकर ये 7 दिवसीय जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन महान पर्व का जो ये सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, इन वचनों को समय निकाल कर आप सुन लीजिए। नहीं तो बड़ा दूर दिन का समय होगा। इतने कष्ट, मुसीबत, लड़ाई झगड़े, बीमारी, महामारी, दुर्घटनाओं, अकाल मौतों से घिरा ये समय इतना खराब है, संत महापुरुषों के वचन ही आपको बचाएंगे, और यहाँ कोई ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानी ये बचा नहीं सकता। अब आप लाइन में खड़े हो जाओ, इस प्रसाद को ले लो। ये उस मुहूर्त का प्रसाद है जो अभियान हिंदुस्तान में जारी किया गया, साकार सद्भावना मिलन का और ये अध्याय के सत्संग का, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रसाद वितरित किया जाएगा। चलो प्रेमियों, जल्दी से, देर मत करो, समय हो गया है। जय गुरुदेव, 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 नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, जोर से बोले जय गुरुदेव, सब मिल बोले जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोले जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव, शांति भी देंगे जय गुरुदेव, सबके दाता जय गुरुदेव, सबके मालिक जय गुरुदेव।
है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जो परमार्थी श्रमदान सेवा आप कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में कहीं चले जाए, चाहे कोई धार्मिक संत या राजनीतिक, ये सेवा कोई नहीं जानता। परमार्थी सेवा का अर्थ कोई नहीं जानता जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे, तो परमार्थ शब्द आप समझ में नहीं आएंगे। स्वार्थ में डूबी दुनिया ये बिचारी परमार्थ को क्या जाने। इसलिए आप जो सेवा रात दिन कर रहे हो या की है, वो सब तुम्हारा परमार्थी लाभ दिलाने वाली है। जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं मिल सकता, वो इस सेवा के करने से आपको लाभ है। अगर लाभ न मिला होता तो जंगल में इतने लोग नहीं आते। पहले लोग कहते थे कि बाबा जी शहरों के किनारे कार्यक्रम करते हैं, इसलिए भीड़ आ जाती। धार्मिक नगरों में धार्मिक नदियों के किनारे कार्यक्रम करते हैं, इसलिए भीड़ ज्यादा आ जाती। तो मैंने ये दिखा दिया, जब ये भूमि पूजन हुआ तो 1,00,000 से ऊपर प्रेमी उपस्थित था। इसी जंगल में मैंने ये दिखा दिया और दिखा दूंगा कि इतना जनमानस इकट्ठा हो जाएगा जो कहीं नहीं हुआ। ये देखकर लोग बदल जाएंगे, बदलना पड़ेगा उनको, मजबूर होके लाचार होके इसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इतना खराब समय आ रहा, उस खराब समय से बचने बचाने का सामान तुम्हारे पास नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग प्रसाद दीजिए, कल बोलूंगा, कल प्रारंभ करूंगा। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेमी आते जाएंगे, सत्संग का विस्तार होता जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आज है 9 जुलाई सन 2022, रात्रि के 9:15 बज रहे हैं और ज्ञान आश्रम की तपोभूमि पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज कल के सत्संग के पूर्व ये महाप्रसाद दे रहे हैं। सेवादार प्रेमी अब धीरे धीरे लाइन में क्रम में जुड़ रहे हैं पीछे से, और सब इस परमार्थी सेवा करके प्रसाद प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। कल है 10 जुलाई और गुरु महाराज के इस अनोखे अभियान, आध्यात्मिक सत्संग और अन्य सभी लीलाओं के लगभग 70 साल पूरे हो जाएंगे। 10 जुलाई 1952 से अर्दली बाजार बनारस से स्वामी जी महाराज ने आध्यात्मिक सत्संग शुरू किया था और कल हो जाएगा 10 जुलाई 2022। 70 पूरे, 71वें लग जाएंगे।
जय गुरुदेव। और कल से इस ज्ञान आश्रम की तपोभूमि पर जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व के शुभ अवसर पर परम पूज स्वामी जी महाराज 7 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक सत्संग देंगे। इसी मंच से आप सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्त इस महामानव कुंभ में शामिल होने के लिए अवश्य यहाँ पधारिए। 13 जुलाई 2022 को ब्रह्म मुहूर्त में गुरु पूजन होगा, तो आप सभी उस महाप्रसाद को प्राप्त करने के लिए 12 तारीख तक अवश्य यहाँ पर उपस्थित हो जाइए। उसके बाद भी 13 जुलाई के बाद भी 2-3 दिनों तक लगातार प्रसाद बढ़ते जाएंगे, आप तब भी ले सकते हैं। जय गुरुदेव।